हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर पार्टनरशिप और ये इस चैप्टर का पार्ट फोर्थ वीडियो है। क्लियर है? तो आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सब आज का हमारा टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप डीड और द एग्रीमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या होता है पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि आपको मालूम है कि पार्टनरशिप जो होती है हमारा, इसके लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि भैया ये हमारे पार्टनर है या ये हमारे पार्टनर है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम लोग इसको पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी जो मिनिमम दो लोग उसमें रिक्वायर होते हैं और दो लोग हमें चाहिए होते हैं पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अब पार्टनरशिप का मतलब ये होता है बिकॉज यू आर हैविंग सम सॉर्ट्स ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, आपके भी कुछ कंपनी के प्रति या उस बिजनेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लाइबिलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है या किसी से क्रेडिट पर सामान लिया हुआ है तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर पार्टनरशिप अगर आपका कभी भी अग्रीमेंट में हो गए नहीं तो जब पैसे देने की बारी आएगी सामने वाले तो कह देगा हम तो इसे जानते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें ना हो, आपके रिलेशन खराब ना हो किसी के साथ, तो इसलिए तो हमारा क्या होता है हम लोग इस चीज को एग्रीमेंट करते हैं। और एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ रिटेन ओरली। ठीक है, रिटेन फॉर्मेट में भी होता है। क्लियर है? हमेशा मैं प्रिफर करता हूँ कि रिटेन फॉर्मेट में ही हो तो ज्यादा अच्छा है। बस इसका एक मकसद ये है रिटेन फॉर्मेट का कि एक्चुअली में होता क्या है, इसका हमारे पास एविडेंस होता है। ठीक है, आजकल हम लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं कि पता नहीं भैया कौन शाहरुख खान की आवाज कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं तो वो मिमिक्री एक्टर्स होते हैं, कोई भी निकाल सकता है, तो हम लोग वो भी कर लेंगे, तो उतना हमारा प्रिफर नहीं होता है। तो हमारा एक जो रिटन फॉर्मेट, एक रिटन प्रोफार्मा होना चाहिए कि हाँ भैया ये हमारे पार्टनर्स हैं और इस बिजनेस में हमारी इनकी पार्टनरशिप है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या क्या एग्रीमेंट्स होने चाहिए उसके साथ आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि नेम ऑफ द फॉर्म होना चाहिए, नेचर ऑफ द फॉर्म्स बिजनेस, पॉइंट थर्ड है द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, ये ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया चाहते हैं पार्टनरशिप आपकी 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, अगर आपने एग्रीमेंट में उसको बिल्कुल सैंक्शन किया होगा हाँ इतने साल तक ही हम और तुम पार्टनर रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। क्लियर है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, अमाउंट विच कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर, ओके, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द ड्रॉइंग्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स। ये आप समझ रहे हैं ना, ये जो हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ये हमारे इतने इतने जो पॉइंट दिए हुए, 17 पॉइंट दिए हुए इस बुक में, तो 17 का मतलब ये कि एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपके आपका और आपके पार्टनर के बीच में कभी भी कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, कभी कोई दिक्कत ना हो। चिल्ला लो तुम पहले, ठीक है, तो उतनी कोई दिक्कत ना हो, तो आपका जो काम है वो सारा आसानी से हो सके। क्लियर है? तो ये कुछ आपके पॉइंट है 17 पॉइंट, और अगर इन 17 पॉइंट में कोई दिक्कत हो सकती है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, ये जो फॉर्म होती है पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप करवा भी सकते हैं और चाहे तो आप नहीं भी करा सकते, जबकि आपका स्टेट का जो फोरम होता है आप वहां पे जाके अपने जो पार्टनरशिप का जो फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है, आप उसको मतलब रजिस्टर वहां पे करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास ये कोई कंपल्शन नहीं होता कि नहीं हमें करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो इसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या इसका सिस्टम होता है करवाने का, वो देखते हैं। ये कुछ हमारे पास 6 सिस्टम्स है, मतलब 6 प्रोसीजर है। ठीक है, वन बाय वन इन्हें देखते हैं। पता है राइटिंग अच्छी है, थैंक यू वेरी मच, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ द फॉर्म, क्या नाम है आपके फॉर्म का, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। ये अभी कुछ पॉइंट हम लोगों ने वहां पे पिछले वीडियो में थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे। नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म कैरीज ऑन बिजनेस। ठीक है, द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, हर एक का मतलब पक्का होना चाहिए, हाँ भाई किसने कब कब ज्वाइन किया। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है,
ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये कुछ हमारे पास एक टर्मोलॉजी होती है या एक हमारा प्रोसीजर होता है कि हमारे पास ऐसा ये सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ हमारे पास कॉमन डिटेल्स है जो होनी चाहिए। अब आप चाहे अपने बिलिंग के हिसाब से आप कुछ भी करवा सकते हैं या और भी जितने भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आप उसको इनपुट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका इसका फॉर्म का, तो वो बहुत ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुछ दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आइए देखते हैं। सो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइप्स की होती है। हियर वी कैन सी दैट देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट वन इज द जनरल पार्टनरशिप, सबसे पहले हमारे पास जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग LLP भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास पार्टनरशिप एट विल, WILL, और उसके लास्ट है हमारे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। हमारे पास चार टाइप की पार्टनरशिप होती है। आप देख सकते हैं किस डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने बनाया हुआ है। हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि प्लीज अपने कंटेंट को लेकर के थोड़ा सा आप डायग्रामेटिक होइए, क्योंकि आप कॉपीज अपने लिए नहीं लिख रहे हो, सामने वाले टीचर के लिए लिख रहे हो। क्लियर है? तो उसको जितना अच्छा जितना साफ सुथरा काम मिलेगा नंबर उतने अच्छा आपको मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक एक टाइप एक एक पार्टनरशिप को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। और अगर अभी तक की वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फर्स्ट वी आर हैविंग द जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल बिल्कुल जनरल स्टोर की तरह होता है, सब कुछ होता है। जितने भी पार्टनरशिप के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं या जो भी डूज एंड डोंट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको मालूम है कि आपका जो जो फर्म है वो क्या है, वो बहुत ही अच्छे पार्टनर के साथ अटैच्ड है। लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत ही अच्छे पार्टनर्स का अटैच है। और हम ये मानते हैं कि जितने भी आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी जो क्रेडिट है, उनके जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है। और जो दूसरा जो सामान आपको दे रहा है क्रेडिट पे, वो भी ये समझता है कि हाँ हमको यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर आपकी फर्म मान लीजिए लिक्विड होती है या आपकी जो फर्म बंद हो रही होती है, तो आपको उस कंपनी के सारे एसेट्स बेच के जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं। इन केस अगर कि आपकी जो कंपनी के जो एसेट्स वगैरह हैं वो एडिक्वेट नहीं है, वो उतने आप उनको बेचने के बाद भी उतना पैसा आप नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप अपने जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने जिनसे आपने लोन लिया हुआ है आप उनको पैसा वापस कर सके, ठीक है। तो वहां पे पार्टनरशिप की पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात आ जाती है, क्लियर है। और हर एक पार्टनर जो होता है उसकी लायबिलिटीज कैसी होती है, दैट इज अनलिमिटेड अंटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो पार्टनर आपका माइनर ना हो। अगर वो माइनर हो मतलब कि वो एडिक्वेट नहीं होता है, मतलब कि वो छोटा है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर मर गया और उसका अगर लड़का है उस पार्टनर में, तो उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो और उसके शेयर्स वगैरह भी, वो जो प्रॉफिट शेयर होता है वो भी एक लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो पार्टनर्स की, जो जनरल पार्टनर्स, उसमें क्या होता है कि अगर वहां पे इसको पर्सनल प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लेते हैं, क्लियर है। एंड एवरी पार्टनर इज लायबल टू टेक द एक्शन इन द मैनेजमेंट, ठीक है। हर एक का जो अधिकार होता है मैनेजमेंट में वो होता है जब तक कि हर एक पार्टनर से डिसाइड ना कर लिया कि भाई ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जनरल पार्टनरशिप मतलब सिस्टम ही बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी हमारे पास पार्टनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी उस फर्म में या उस बिजनेस में क्या होता है, उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और वो उनकी जो क्रेडिट होती है, अगर किसी से क्रेडिट पर सामान लेते हैं तो दे आर द लायबल टू दैट, ठीक है। उनको अपने पहली बात तो कंपनी के हिसाब से वो अपने जो उनका जो कर्जा वगैरह होगा वो मिटाना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी के भी जो एसेट्स हैं आपके फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, फिर बात हम लोग उस पे आते हैं कि आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच सके, आपके जो क्रेडिट्स वगैरह हैं उनको जो डेथ वगैरह है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप कि जो जनरल पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। आई जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट। और बस आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नाम से समझ में आ रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो पार्टनर है उसका कैसी रहेगी, वहां पे लायबिलिटी उसकी की बिल्कुल लिमिटेड रहेगी, मतलब कि वो अदर पार्टनर का वो लायबल नहीं होगा, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। मतलब कि अगर हर एक मान लीजिए चार पार्टनर है, ठीक है, चार पार्टनर है और आपको 100 रुपए किसी को देने हैं, तो हर एक ने 25-25 रुपए लिए हुए थे, तो तीन पार्टनर ने 25 रुपए दे दिए, चौथा 25 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देंगे,
ठीक है, तो दे आर नॉट लायबल, क्लियर है। तो वो जो चौथा पार्टनर है वो अपना जो हिस्सा है वो अपना खुद ही देगा, क्लियर है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विद अ मिनिमम ऑफ टू पार्टनर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्लियर है। मिनिमम दो होने चाहिए और यहाँ पे लिमिट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट है, एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, वेरी गुड। इन एन एलएलपी द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी, नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी अनऑथराइज्ड और इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। जैसे हमने बता दिया कि कोई भी जो पार्टनर है वो दूसरे के उसमें लायबल नहीं होगा कि भैया कि हाँ भैया कोई अनऑथराइज्ड एक्शन वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लायबल नहीं है, क्लियर है। An LLP must maintain annual account reflecting the true and the fair view of its state of affairs, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, आपके अकाउंट्स बुक भी क्लियर होनी चाहिए और जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं या जितना भी पेपर वर्क है आपके उस फॉर्म का, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। इससे ये रहता है कि आपकी जो कंपनी या जो आपका जो फॉर्म है उसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसकी वैल्यू मार्केट में, क्लियर। The liability, next point है आपके पास, the liability of partners and the firm would become unlimited in case the firm or its partner carry out any act with the intention to defraud the creditors or any person or for any fraudulent purpose. ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, the liability of partner and the firm would become the unlimited in case, ठीक है। अनलिमिटेड यहाँ पे इस लिमिटेड लायबिलिटी पे अनलिमिटेड हो जाए कब, अगर हमारा इंटेंशन ही धोखा देने का है, हम जान रहे हैं भाई अगर ये काम करें ये काम गलत है लेकिन तब भी हम वो चीज कर रहे हैं, तो उस केस में जाकर के हमारा जो पार्टनर्स के जो लायबिलिटीज वगैरह होती है वो आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी गलत काम अगर हमने जानबूझ कर किया है, हमें मालूम है कि ये गलत है लेकिन तब भी अगर हम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी लिमिटेड लायबिलिटी भी हमारी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारे पास, द एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप फॉर्म एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लियर है। तो आई होप कि आपको एलएलपी बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इससे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। हैव अ लुक, इसी के एडवांटेज वगैरह हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है लिख दो क्या यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे इसमें आपका और हो जाएगा एडवांटेज, एडवांटेज, क्लियर है, बढ़िया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओके। सो कमिंग टू द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द एलएलपी, सो लेट अस सी व्हाट आर दोस। सो सबसे पहला जो एडवांटेज है भाई साहब, चार चार दिए हुए, तो है एडवांटेज, इसका पहला एडवांटेज है, an LLP is separate legal entity independent of the firm, it is capable of owning and holding property in its own name, ठीक है, अपने नाम पे खड़ी कर सकते हैं और जितनी प्रॉपर्टी वगैरह वो अपने लिए वो ले सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। जैसे हमने कहा था ना कि सेकेंड है हमारे पास, इट इज मच मोर स्टेबल दैन अ जनरल पार्टनरशिप, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है जनरल पार्टनरशिप में, बताऊंगा क्यों, बिकॉज इट इज नॉट डिसॉल्व बाय द रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी डेथ एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर, इट एंजॉयज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। स्टेबल यहाँ पे क्यों होती है, सबसे पहली बात तो ये कि जो जनरल पार्टनरशिप अगर हम लोग बात करें तो वहां पे सबसे पहला ही हमारे पास स्टेप था कि हर एक पार्टनर की आपके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब अगर किसी इंसान को मालूम है, किसी पार्टनर को मालूम, सॉरी इंसान नहीं, किसी पार्टनर को मालूम है कि उसको सिर्फ 100 रुपए देने हैं और कंपनी के पास 1000 रुपए का कर्जा है, ठीक है, उसको सिर्फ 100 रुपए देने हैं, तो उसके में क्या होता है कि आपको सिर्फ 100 रुपए देने हैं, बाकी से आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग चीजों को ब्रेक कर देते हैं तो वो हमारे लिए मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, क्लियर है। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो ये आप जान लीजिए कि अब इंसान अगर कोई पार्टनर है, अगर वो मेंटली स्टेबल है तो इसका मतलब कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, और अगर उसका मेंटल स्ट्रेंथ खराब है ना,
जिसका मतलब समझ लेगा कि वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, क्योंकि अगर पैसा होगा तो दिमाग काम करता है, पैसा नहीं होगा तो बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा होती है, जनरल पार्टनरशिप से इसीलिए बहुत ही स्टेबल होती है, जनरल पार्टनरशिप में हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मेक श्योर कि वहाँ पे जनरल पार्टनरशिप में हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमें ज्यादा अपने पास देना नहीं पड़ता, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज लिमिटेड, दे हैव नॉट टू टेक एनी अनलिमिटेड रिस्क एज आई टोल्ड यू अर्लियर। As there is no limit on the number of partners, an LLP can raise huge fund for expansion and growth of the business. ठीक है, यहाँ पे कोई partners की वो नहीं है, मतलब limit नहीं कि नहीं भाई 50 अगर 100 लोग, क्योंकि इनके पास जितने partners होंगे तो इनके पास जो fund arrange करने के जो scope होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आराम से लोग fund arrange कर सकते हैं और जो business का जो growth होगा वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है। So that was all about the advantage of the LLP. अब बात करते हैं disadvantage. तो भैया सबसे पहला पॉइंट हमारे पास डिसएडवांटेज का, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, इट हैज टू स्पेंड टाइम एंड मनी इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज इन द इनकॉर्पोरेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, देयर इज लेस सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स एज इट हैज टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सीक्रेसी यहाँ पे कम होती है क्योंकि जो लीगल जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, जो जितना भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ एन एलएलपी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, जो क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब जो क्रेडिट्स वगैरह होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि जितनी आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैसी है लिमिटेड लायबिलिटीज है, तो आप जो दूसरे पार्टनर का नहीं दे सकते, मतलब पर्सनल रिलेशन की तो बात नहीं कर रहे भाई, आप अपने मन से देना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन से कोई दूसरे पैसे क्यों देगा, हम लोग इतने अच्छे तो हैं। ठीक है, इंसानों के अंदर तो इंसानियत रह ही नहीं गई है ना, तो वहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि भैया जो जो क्रिएटर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे देंगे तो इनसे हमें पैसा मिलेगा नहीं, ये देंगे नहीं, तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एलएलपी, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट हमारे पास पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, एट विल, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, कि भाई मेरी ये विल है या मेरी ये इच्छा है, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि पार्टनरशिप एट विल में, इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टनरशिप होती है ये आपके अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है, क्लियर है। तो विल का मतलब ये है कि जब तक मेरी इच्छा करेगी तब तक मैं इस फर्म में पार्टनरशिप में रहूंगा, मेरी इच्छा नहीं कर रही है, मैंने एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया कि हाँ भैया इतने इतने टैक्स है हम नहीं रहेंगे, या एक महीने बाद से हम ये कंपनी छोड़ रहे हैं या फर्म छोड़ रहे हैं, खत्म। ठीक है, तो विल का मतलब ही यही है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, जब तक मेरा मन कर रहा है, हम 20 साल रहे, 50 साल रहे, 100 साल तक रहे हैं। ठीक है, तो जब तक मेरा इच्छा करेगी तब तक मैं रहूंगा, और उसके बाद हम एक नोटिस देते हैं कि मेरा मन नहीं है या आम जस्ट जंग इंतार, तो हमने एक नोटिस दे दी कि भैया थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो वहां से उस दिन से आपका जो पार्टनर होता है उसका जो होती है लायबिलिटीज सारी खत्म हो जाती है, और उसके जितने भी रिलेशंस होते हैं उस फर्म के साथ वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल रिलेशंस सारे खत्म हो जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, हमने इसमें बात की पार्टनरशिप एक्ट में कि यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, पर्टिकुलर में इसका जस्ट उल्टा होता है। पर्टिकुलर में होता है ये आपके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है या लिमिटेड पीरियड के लिए हम बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो होता है एक कोई ऑब्जेक्टिव इन्होंने सेट किया होता है कि भैया हम जैसे मानिए कोई एक दूसरा पार्टनर है तो वो कह रहा है भैया मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, हम ये काम कर लेंगे तो हम इसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये एग्रीमेंट जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये एग्रीमेंट होता है भैया आप 2 साल तक के लिए, तो 2 साल बाद वो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर क्या हो जाएगा, वो अनपार्टनर हो जाएगा। ठीक है, वो फर्म से अपने आप ही हो जाएगा, मतलब उसको निकालने की भी जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड था उसका कि भैया आप 2 साल तक इस कंपनी से अटैच हैं या इस बिजनेस से अटैच हैं, और 2 साल बाद आप फिर इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड, क्लियर है। जैसे आप में गेम वगैरह खेलो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड का एक ऑफर आता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनलिमिटेड है और यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है, क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्टिव लिए आ सकता है पार्टनर, या कोई भी गोल होगा कि भैया हमने ये मार्केटिंग करनी है, ये करना है या वो करना है, एक्स वाई कोई जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो काम। ठीक है, वो काम जैसे ही पूरा होगा उस पार्टनरशिप का
खत्म, उस पार्टनर का काम खत्म हो जाएगा या फिर जो टाइम पीरियड है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो उसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑटोमेटिकली फायर ही हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक का जो वीडियो है टैक्स ऑफ पार्टनरशिप का वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और बस कोशिश मेरी यही थी कि चीज़ें अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आ जाए, बस ठीक है। और इसका अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट बचा है, वो भी आप एक आध दिन में आ जाएगा। और बस